आज हम विलियम बटलर ईट्स की एक बहुत प्यारी सी पोएम के बारे में सीखेंगे, जो है फॉर एनी ग्रेगरी। एनी ग्रेगरी पोएम में एक कन्वर्जेशन दिखाते हैं विलियम बटलर ईट्स एक यंग मैन और एक यंग वूमैन के बीच में, जो इस बारे में तर्क करते हैं कि विच ब्यूटी इज मोर इम्पॉर्टेंट, फिजिकल ब्यूटी और इंटरनल ब्यूटी। चलिए सीखते हैं कौन सी खूबसूरती ज़्यादा मायने रखती है इंसान की ज़िंदगी में, फिजिकल ब्यूटी और इंटरनल ब्यूटी। नेवर शैल अ यंग मैन, एक जवान आदमी कभी भी नहीं, थ्रोन इंटू डिस्पेयर, उदास होगा, कभी भी उदासी में नहीं पड़ेगा। बाई दोज ग्रेट हनी कलर्ड रैम्पर्ट एट योर एयर, तुम्हारे कानों के आसपास जो हनी कलर की लटे पड़ी हुई हैं, उन लटों को देख कर कि कोई भी आदमी कभी भी उदासी में नहीं पड़ेगा। लव यू फॉर योर सेल्फ अलोन, अगर तुम अपने लिए, अपने खातिर, अपने आप को प्यार करते हो, नॉट फॉर येलो हेयर, आपके पीले वालों को नहीं, आपके गोल्डन हेयर को नहीं, अगर खुद के लिए खुद को प्यार करते हो तो इंसान कभी भी उदास नहीं हो सकता। लेकिन इस पर जवाब देती है वो लेडी, कहती है बट आई कैन गेट द हेयर डाई, लेकिन मैं अपने बालों को डाई करा लूँगी, एंड सेट सच कलर देयर, और वहाँ पर ऐसा कलर सेट कर लूँगी, ब्राउन कर लूँगी और ब्लैक कर लूँगी और कैरेट या कैरेट कलर के, गाजरी कलर के अपने बालों की लटों को, अपने बालों के लच्छों को कर लूँगी। दैट अ यंग मैन इन डिस्पेयर, कि एक जवान आदमी उदासी में, गमगीनी में, मे लव मी माई सेल्फ अलोन, वो सिर्फ मेरे खातिर मुझे प्यार करेगा, मेरे बालों के खातिर या मेरी शारीरिक सुंदरता या फिजिकल ब्यूटी के खातिर मुझे प्यार नहीं करेगा, एंड नॉट माई येलो हेयर, और मेरे येलो हेयर के लिए नहीं। तो इस पर जवाब देता है वो यंग मैन, कहता है विलियम बटलर ईट्स की इस कविता में, आई हर्ड एन ओल्ड रिलीजियस मैन, मैंने एक बूढ़े धार्मिक आदमी को ये कहते सुना था, बट यस्टर नाइट, लेकिन कल की रात, डिक्लेयर, उसने इस बात को अनाउंस कर दिया, घोषणा कर दी, दैट ही हैड फाउंड अ टेस्ट टू प्रूव, कि उसके पास एक किताब है इस बात को सिद्ध करने के लिए, दैट ओनली गॉड, कि केवल अल्लाह ही एक ऐसा है, माई डियर, मेरे प्यारे, कुड लव यू फॉर योर सेल्फ अलोन, जो तुम्हें तुम्हारे खातिर प्यार करता है, और कोई भी शख्स तुम्हें तुम्हारे खातिर प्यार नहीं कर सकता, एंड नॉट फॉर येलो हेयर, तो तुम्हारे पीले वालों के लिए। इसीलिए अगर किसी को दीवाना बनाना है अपना, तो अपने कर्मों से उस अल्लाह को, उस भगवान को दीवाना बनाओ जिसे तुम बहुत चाहते हो, और ये तुम्हारी ज़िंदगी के लिए एक सफलता लेकर के आएगा। तो ये थी आपकी आज की पोएम फॉर एनी ग्रेगरी।